का 4:30 का टाइम, उठ कर अपने जो मलाई जमाते हूँ, मलाई और दूध जिसकी लस्सी बनाते हैं, तो उसमें लगी थी मैं रही लगाने का वो करना। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी लेता है, बिल्कुल ही मटके वाला भी नहीं, फ्रिज वाला, और साथ में बर्फ़ डालनी पड़ती है। हमारा तो लेता भी ठंड में भी इसी तरह ही ले आकर, तो उस टाइम गर्म नहीं ले आ करता, उस टाइम मटके का लेता है। तो इस तरह का दूध होता है। इस तरह रई लगा दी थी, फिर साथ में अपने लिए पानी भी रख दिया था। फिर साथ ही साथ ही बादाम छील दूंगी, बादाम छील कर फिर आटा भेज दूंगी, कई काम जो कर देती हूँ। तो फिर ये मक्खन मेरा निकल गया था। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। टाइम हो गया 5:20 लगी हुई थी मैं जब आई ना, अंधेरा था, तो ये चंदना हो रहा है, ठीक सा हो जाता है। 5 बजे भी थोड़ा अंधेरा ही हुआ है। इसके बाद मैं अपना लगी थी तो मैं चल गुड मॉर्निंग तो कर ले, जा जाने लग रहे हैं दो जा लिए सुबह सुबह, इनका भी कुछ टाइम हुआ है। मैं आपके अपने इसी ब्लॉग टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग में तो करने लग रही हूँ, तो कर लेती हूँ मैं थोड़ी देर में, फिर मिला घंटे के बाद। पहले इधर था, फिर यूँ था, फिर यूँ था। कई एक्सरसाइज ऐसी हो जाओ ना जो थोड़ा स्पोर्ट लेना हुआ है, तो मैट भी मेरा सारे छत पर ऐसे चक्री लगाता है। जो जुम्बा होता है उसमें सीधा रहा कर, फिर और योगा कराया करूँ, लेट के करूँ तो फिर उसमें घूम जाता है। सबकी मशीनें चली पड़ी हैं, सबकी आगे आवाज़ आ रही है। योगा करते हो और जब सब काम लग रहे हो ना, जब यूँ रहा कर, मैं लेट होगी फिर यूँ रोगा करना। इब तो अपना रह रहा है, योगा तो रह रहा है, वो कंप्लीट करूँगी, फिर उड़े के काम करूँगी। मेरा अपना टाइम होगा है करने का, पर जो कपड़े धोने लिया का है इनका अपना होगा है। सारे घर मत आ रही है जो कर दिन तो मशीन की आवाज़। और सूरज महाराज निकल गए हैं, आज 32 डेज हार्ड चैलेंज का है, तीसरा दिन, थर्ड डे आज। देखते हैं, कोशिश करूँगी पूरा 21 का 21 दिन हो सही ढंग से हो, वो तो रिजल्ट जो भी रहेगा, अगर ईमानदारी से करें तो रिजल्ट सही आएगा। अगर अपने, और वो तो किसी और को धोखा देना थोड़ा होता, अपने आप को होता है। चीटिंग कर रहा है अगर किसी के साथ मिलकर कर रहा है, एक आदमी अप्रिशिएट कर रहा है, वो करवा रहा है उसके साथ, फिर वो खुद कर रहा है उसके साथ मिलकर, फिर करो, फिर उसको यूँ दिखाने के लिए ना हम तो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो काम करो ईमानदारी से करो। जब मैंने गलती कर दी थी, जिस तरह 4.5 किलो मेरा कम होने के बाद, जब बोला 21 डेज में, फिर मैंने लाइटली ले लिया, फिर वही चीज़ें होगी, मीठे में ही आ गई फिर। और मीठा ऐसी होता है ना, जिस तरह एक एज होने के बाद ना वो क्रेविंग होती है, एनर्जी लो ही हो जाती है, तो फिर वो जी भी करा थोड़ा बहुत खाने में। मैं ज़रूर से ज़्यादा तो नहीं खाऊँ थी, पर यूँ था कभी कभार, जैसे आइसक्रीम ही है मेरी तो थोड़ी ही, वही खाया करूँ ना। जैसे अब आगे शेक ज़्यादा पीती थी, शेक ही नहीं पीना इसमें, मैंगो शेक नहीं पीना। वैसे आम पीस करके ना खा सकते हो, उसको 32 बार आराम से खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर शेक में होती है थोड़ा। शेक में तो पहले भी पता था, हाँ भाई मैंगो शेक पियेंगे तो वेट बढ़ा होगा। तो मैं करूँ अपने काम कर लूँ ना, तो फिर लेट हो जाते हो। आज एक नया काम स्टार्ट कर दिया है, इसमें केंचुआ छोड़ दिया है, इसके अंदर केंचुए की बन जाएगी, जो किचन वेस्ट डाला है और इस तरह गीला करके ना, और ऊपर से बोरी ढक दी ताकि वो गीला रहे। किचन वेस्ट के अंदर केंचुए छोड़ दिए लाके ना, बस सही वो खाद सी बन जाया करेगी ना। फिर किचन वेस्ट वाली वह थोड़ा हर टाइम ले, 3 महीने ले वह है, तो इस तरह छोड़ने में फिर वो जल्दी हो जाएगी। कल ले आए थे किसी पर ना, किसान पर ही, हमारा तो रिलेशन वैसे किसानों से ही है, तो किसान पर लेते हैं वही करते हैं, तो आज छोड़ दिए सुबह सुबह। अब इसमें टाइम लग गया ना, फिर यहाँ से धोना दाना और सारा गिर गया था सब कुछ। अब झाड़ू कल निकाल लूँगी, झाड़ू वाला काम रह गया। ऊपर से आते ही पहले तो रोटी बनाई है, मशीन में कपड़े लगा कह रही हूँ, उधर कपड़े धोने लग रहे हैं। फिर मैं कहूँ छत पर बोल भी रही थी मैं, चारों तरफ से मशीना की आवाज़ लगा रहे लग रही है, तो मैं अब लगा के ही हूँ अपनी, क्यों जिसने धोने थे वहाँ तो जल्द संडे ने, मैं जल्दी लगा देती हूँ ना, सभी ऐसे ही जल्दी लगा दे, क्यों धूप आ जाए पीछे की तरफ,
मेरा संडे ना संडे ना लगे है, वैसे फिर मेरी एक्सरसाइज होने के बाद ही लगता है। अब मेरा काम हो गया सारा, घी क्या निकाल दिए, यो गर्म कर दिया, इसकी पोई ही अभी है। उसके आगे डालूंगी, सोने लग रही है कुत्ती अपनी, ग्रीन टी बना कर रख रखी है, फुर्सत में पीऊंगी थोड़ी, एक बार काम ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि ये सारी सफाई भी करनी फिर जरूरी हो जावा है। घी आला जो निकाल ले रो रही रही साफ करनी, फिर बर्तन साफ करने सारे, जब तक मैं ना हो जाता जिस तरह लस्सी छाणी सारनी छुलनी रोज सारे बिलोया होया। कोशिश करया करूँ साथ ही साथ ही निमट जाऊँ तो ठीक है, फिर वो ज्यादा भी ना हो ना, फिर और भी दूसरे भी फिर चिकने हो जाओ, बेशक हम छाण भी ले हैं वो भी कर ले, पापड़ी हो सिंक में नहीं डाला करती, पाइप में, पाइप पे रोकते हैं क्यों चिकना सा हो जाता है फिर। और अपना पानी डिटॉक्स वाला 21 दिन लगातार इसमें पे होना, सारे डिटॉक्स हो जाते हैं, डिटॉक्स बोल देते हैं, क्लाइन वाटर बोल देते हैं हमारे जैसे तो नॉर्मली घर में बनाया, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपना मोल ले आकर ना मंगवाते हैं, पर ये बेस्ट होता है, इसको कई तरह का बन जाता है, किसी तरह बना लो। हार्ड डेज में ये ज़रूर रखूँगी मैं साथ के साथ ही, पूरी क्लीन हो जाए ना, बेटाइम वाला लगातार रखो, मैं भी लेऊँगा ना ये डिटॉक्स करने के लिए, सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। तो अब कपड़े संभाल लेते हो, नहा धो लिए, जोत पत्ती कर ली, सब्जी बना दी, सब्जी के मैंने अपनी बनानी है तो हमने तो अपनी टिंडा बना लिया देसी टिंडा, और आज सारी किचन में पला रही हूँ घी में, घी हो रहा है अब सर्दियाँ में तो वो लग जाता है, गर्मियाँ में भी वो लगता भी कम लगा है, क्यों सर्दियाँ में तो लड्डू चलते हैं सारी सर्दियाँ ओपड़ में स्टार्ट हो जाते हैं, तो जितना ही भी इकट्ठा करती हूँ सारा सर्दियों में मेरा लग जाता है, थोड़ा बचा हुआ है उसको निकाल लूँगी उसमें से, फिर इतना दूसरा में डाल लूँगी, कई जगह इकट्ठा हो रहा था, कहीं किलो कहीं 2 किलो, जिस तरह गर्म करती हूँ तो फिर उन डिब्बा में करती हूँ, बाद दोबारा गर्म करते हैं और इन्हें में लगी हुई है। सर्दियाँ में देखिए होता है चने वाले भी खा लेते हैं लड्डू, और गोंद वाले भी डाल देती हूँ उन्हें भी खा ले हैं, गर्मियाँ वाला वह चीज़ समझ में नहीं आती क्या डालूँ, और गर्मी में खा के भी खुश नहीं है, डाल लूँ क्या, कई दिन हो गए मैं सोच भी रही थी मैं क्या डालना चाहिए क्या डालना चाहिए, ये हो रहा है और खा भी लेंगे अगर डला हुआ तो, पर कौन सा नाम नहीं ले रहा, पहले चने के डाले थे चने और ड्राई फ्रूट मिक्स करके वो अब तक रखे ही हुए हैं 10-15, तो वो भी बच रहे हैं उसकी तरफ फिर जाते ही नहीं, मैं इतना ललित आए ऊपर करने गई हुई है तो इतना वो नीचे उतर के आएगी, इस चीज़ को मैं इतना मैं संगवा देती हूँ कर देती हूँ, चलो कर लूँ मैं, टाइम लगेगा आज इस चीज़ में ना घी वाले में। वेलकम बैक, टाइम हो गया 11 बज के 5 मिनट रह रही हैं, तो बेटे ने बनाई थी पनीर की भुर्जी, तो वह भुर्जी के साथ मैं एक ब्रेड शेक लेती हूँ अपनी, आज पनीर इनका फिर ख़त्म ही हो जाएगा ना, आज भुर्जी बना था ना ख़त्म कर दिया, या ड्रामी भरती है घी की 5 किलो की ड्रामी है, या आस्ता तू करना सारा सारे बर्तन सारे डिब्बे डब्बे सारे साफ करती है इधर से ना घी के, 2-3 में बढ़िया हुआ था, एक दो का जो इकट्ठा कराया था उसका बच रहा था 2 किलो, और 2 डिब्बे 1-1 किलो वाले थे उनमें था, फिर वो आज गर्म कराया हुआ वो तो रह रहा है सामना, फिर मैं इसने पैक कर दूँगी, इसने तो रखूँगा एक तरफ पैक करके ना, तो ये निमट सा गया, कई दिन से सोच रही थी पर मैंने पता था कि इसमें टाइम लगेगा, टाइम वाली चीज़ें होती हैं जल्दबाजी वाली नहीं होती, एकदम छलक जाए या कुछ हो जाए ना फिर वो सारा चिकना चिकना हो जाओ, तो मैं ये अपना खा लूँ, अपने ड्राई फ्रूट है, ब्रेड है और पनीर की भुर्जी है, अब अपना पहला मील 32 बार का 11 बजे वाला, और इंटरमीडिएट फास्टिंग साथ में तो कर लेती हूँ, अब तो पहले पानी पीऊँ, प्यास लग रही कई देर होगी, पूरी ड्रामी भरती है ये भी उठा कर रखनी भी मुश्किल है, जब तक नहीं जम लेगा फ्रिज में आवे नहीं, फ्रिज में रखे बाजा तो या जम भी जावे, ठंड में भी जम जावे, पर गर्मी में दिक्कत हो रही है, ऊपर ही रखूँगी शनाब 1-2 दिन हो रहे हैं, अपना लंच टाइम चल रहा है, साथ में बच्चे लग रहे थे अपना बनाने, ये अपना साथ में घुस जाए है ना, कोई क्लिप निकाल पाती ना और ही अपना बना के ले गए हैं, तो मेरी मेरी रह रही है, और यूँ कह रहे हैं इसी के लिए इतना ना कौन पियोगा मां तुम पी लो, ये तो जमण में भी टाइम लगेगा मेरा ना, इसने उठा सकती ना और क्यों पुल भरा हुआ है, मैं तुम पी लो पहले भी तो पिया ही करते घी ने पियो और जिम मारो, बच्चे नहीं जाना चाहते बिल्कुल घी की तरफ। रोटी बना रही हूँ अपनी ओट्स की, बेटा भी अपनी ओट्स की लेकर गया है बनवा का और मेरी भी ओट्स की है, कोई पूछ रहा था कि ओट्स का आटा कहाँ से लेते हो, मैं ओट्स मंगवा लेती हूँ रोल्ड ओट्स अपने, तो उन्हें कोई पीस लेती हूँ मिक्सी में पीस के नर बढ़िया बन जाता है, रोल्ड ओट्स मंगवा के नर मिक्सी में पीस ले तो ले लेगा भी पीसने, पीस के रखने की जरूरत नहीं है अपना, जब भी बनाना हो जब भी पीस ले, जो रोल्ड ओट्स के लिए ओट्स की खिचड़ी बनाने में और ओट्स दूध बनाने में भी काम आते हैं, तो इसलिए मैं तो यूं ही करा करूँ आटा नहीं मंगवा करती, 1 किलो का अपना ले आती हूँ और उसी में से पीस कर नर बना लेती हूँ ओट्स,
कोई आटा भी लाते हैं वो थोड़ा और बारीक हो जाता है, पर मिक्सी में भी बारीक ही होगा थोड़ा। हाँ कर लेते हैं अपना लंच, 32 बार वाला टिंडे हैं, आज टिंडे बनाए हुए हैं हमारे तो यही चले। अगर हम तो तीनों जने माँ और दोनों हम घिया तोरी टिंडे यही ज्यादा खुश है, हरी सब्जियां में यही ज्यादा अच्छे रहते हैं। हाँ एक आध बार खानी होती, जैसे बच्चे ने आज पनीर बूंदी बना रखी है तो मैंने सुबह हुआ खा ली थी, तो यूँ खा लेते हैं कि बची हुई हुआ है तो इनका खा लेते हैं। टाइम हो गया अपने साथ, सारे काम निपटा दिया अपना, खा दिया पी लिया, डिनर हो गया 7 बजे से पहले, फिर 8 बजे तक आऊँगी घूम के ना, सारा इनका आटा उटा भेगा ना, बर्तन धोगा ना। जूते डालने के लिए यहाँ बैठी थी क्यों, मेरा फोन आ चुका है ना, मैं निकलूँ हूँ अब, देर हो जाती है कई बार, सारे काम निपटा के ना फिर अपना डिनर भी करके जाओ, 7 बजे से पहले जो अपना करना हुआ है तो वो करके मैं जाती हूँ, इंटरमीडियंट वाला तो करके ही जाती हूँ। आने के बाद 8 बजे तो फिर मैं लेट ही हो जाती हूँ, आऊँ फिर इन तद हूँ सब न बना के, मैं 9 बजे में इतना मैं काम करूँ तो मेरा होता 7 बजे से पहले, और मेरी विंडो भी हो जाती है 16 घंटे वाली ठीक हो जाती है, तो मैं खाई का निकल लिया करो, ज़्यादा नहीं खाया करते ना, हल्का फुल्का खा कर ना फिर अपना निकल लेते हैं। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक राम राम।